डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम अरविंद सर, फाउंडर, ऑथर, इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं मी एंड इकोलॉजी बिट, जो क्लास 10th की सेकेंड चैप्टर है। इसमें हम पेज नंबर जो 17 में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। राइट टी और एफ, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि आपको ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, पीपुल इजली गेट कन्विंस्ड बाय दी, यानी पीपुल मतलब लोग, इजली मतलब आसानी से, गेट कन्विंस मतलब राजी हो जाते हैं, बाय जिम मतलब जिम के द्वारा, यानी जब भी जिम क्या करता है तो पर्यावरण से संबंधित कोई बात करता है तो लोग उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, वो भी आसानी से। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। जब भी जिम बात करता है पर्यावरण से संबंधित तो उसके बदले में उसे बैकटॉक मिलता है, लोग उसको मुंहतोड़ जवाब देते हैं, उसकी टांग खींचते हैं, न कि आसानी से उसकी बातों से राजी हो जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ही यूजेस पेपर रूट टू कन्विंस द पीपल, यानी कि वह जो है, वह यहां ही का प्रयोग किया गया है जिम के लिए, यानी जिम जो है लोगों को कन्विंस करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, राजी करने के लिए पेपर रूट का प्रयोग करता है, मतलब एक सूची का प्रयोग करता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जब उसके पिताजी किड थे, बच्चे थे, तो उनके पास भी ये सूची थी और उन्होंने ये सूची जो है जिम को दिलवाई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, इसलिए इसमें टी लिखा है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, गिव सजेशंस ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो जिम होता है वो सजेशन देता है, सलाह देता है, सलाह देता है ऑन इकोलॉजी मतलब पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मुफ्त में सलाह देता है, इसके लिए वह कोई पैसा नहीं लेता। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। देखिए, जब भी जिम पिकअप के लिए किसी के यहां जाता है, किसी गार्बेज को क्या करने के लिए, उठाने के लिए, कचड़े को उठाने के लिए, तो उसके लिए वो चार्ज लेता है, न कि सजेशंस देने के लिए वो चार्ज करता है। तो ये स्टेटमेंट ये आपका ट्रू है। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है, मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज हाउस, यानी कि मिस्टर विलियम्स जो थे वे घर पे ही थे, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे थे, बहाना कर रहे थे कि वे घर पे नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, इसमें टी का प्रयोग करें। लास्ट स्टेटमेंट दिया गया कि पीपुल लिसन, यानी कि पीपुल लोग जो है लिसन मतलब सुनते थे, तो जिम मतलब जिम की बातों को सुनते थे, ग्लैडली का अर्थ होता है ध्यान को, खुशी से, खुशी खुशी जो है लोग जो है जिम की बातों को सुना करते थे। फॉर ही वाज एन इकोलॉजी इको फ्रेंडली हुआ, क्योंकि वो जिम जो था वो पर्यावरण संगत जो है बातें किया करता था और वो पर्यावरण संगत लड़का था, पर्यावरण से उसको काफी लगाव था, इसलिए लोग उसकी बातों को खुशी से सुनते थे। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, उसके बदले में उसे बैकटॉक मिलता था, लोग उसकी टांगे खींचते थे, उसकी बातों से एग्री नहीं होते थे। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो ये रहा आपका पेज नंबर 17 में जो फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट था, उसके बारे में हमने बात किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।